मध्य प्रदेश सहित इंदौर में महिलाओं सहित आदिवासी समाज के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जिला महिला कांग्रेस द्वारा कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की, साथ ही भाजपा नेताओं पर भी कई आरोप लगाए। चंद्रावती गंज सावेर की सरपंच है सपना फिरवे, इसी के संग अन्याय हो रहा है। आज महिलाओं के संग अधिकतर अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और सपना फिरवे के साथ भी यही हुआ। इसी जंगल में महिलाएं आई हैं, जो महिलाएं परेशान हो चुकी हैं, वहाँ के बीजेपी का सरपंच है उससे परेशान हो चुकी हैं, और उसी कारण ये महिला यहाँ आई है। और अधिकतर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी आपने सुना सिमरोल में एक आदिवासी दो महिलाओं के झुग्गियाँ तोड़ दी गई, उनका घर का सामान फेंक दिया गया, बेचारियों को इतनी बुरी तरीके से मारा कि सिर फूट गया, हाथ टूट गया है। उसके बावजूद भी बेचारे यहाँ पे कोई वो नहीं होता है कि किसी के लिए कोई मांग करी जाए। भाजपा में शामिल होने के लिए किस तरह दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, इन पे भाजपा को पे शामिल होने के लिए सावेर में तो हर किसी पे दबाव बना जा रहा है, और जो नहीं हो रहा है शामिल उन पे मुकदमा दर्ज करा जा रहा है। अभी आप यहाँ आए थे, हाँ, दलित महिला क्या मामला है? देखिए, दलित महिला है सरपंच सपना फिरवे, इसके संग कुछ लोग हैं बीजेपी के, वो अत्याचार कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, और इन्हें आने जाने में इन्हें परेशानी आ रही है। और तुलसी सिलावट जी हैं जो, वो उनके उनके साथ वाले हैं जो उन्हीं वही परेशान करे जा रहे हैं, उनको संरक्षण मिला हुआ तुलसी सिलावट का, और सपना फेरवे और उसकी महिलाओं को आने जाने में परेशानी होती है। और जो भी इनको उनके खिलाफ कुछ करता है तो उनके साथ कार्रवाई होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर द्वारा कार्यवाही को लेकर जांच का आश्वासन दिया। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।